हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू आप प्रोमोटर टॉक्स। और आज हम आए हुए रॉयल एनफील्ड के शोरूम पे। तो मैं जो आज बाइक है वो है ऑल न्यू हंटर 350, जो 2023 का अपडेटेड मॉडल है। इसमें काफ़ी सारे अपडेट्स कर दिए गए हैं एंड काफ़ी सारे चेंजेस इसमें हुए हैं। तो पहली बात, हमारे जो मॉडल है वो टॉप एंड वेरियंट है इस सेगमेंट का। हम इसी बारे में पूरा वॉक अराउंड करने वाले, डिटेल्स में रिव्यू करने वाले इस बाइक का, क्या क्या अपडेट आ गए हैं। तो यहाँ पर कलर की बात करें तो रेबल रेड कलर की हमारी बाइक है, जो कि डुअल टोन में आप देख सकते हो। तो हम इसी बारे में पूरा वॉक अराउंड करने वाले हैं आज बाइक का। तो अगर फ्रंट रूप की बात करें तो फ्रंट में आपको यहाँ पर हाइलोजन हेडलैम्प कंपनी ऑफर कर देती है, जो कि काफ़ी सही इसका ग्लो थ्रो है। एंड साइड में आपको हाइलोजन इंडिकेटर मिल जाते हैं विद ऑरेंज कलर के ग्लास। एंड उसी के नीचे अगर हम थोड़ा आ जाते हैं तो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं आपको, सस्पेंशन टेम्पर्ड मिलते हैं, यहाँ पर कवरिंग करी गई है सस्पेंशन के ऊपर। उसी के साथ वहीं उसी टेम्पर्ड पर आपको यहाँ पर रॉयल एनफील्ड का छोटा सा लोगो मिल जाता है। एंड थोड़ा साइड में देखा तो यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर यूज़ किए गए हैं एंड पूरा सस्पेंशन आपको मैट ब्लैक कलर का है। यहाँ पर बेबरे के डिस्क ब्रेक यूज़ करे गए, जो काफ़ी सही लगता है। फ्रंट में आपको ABS ऑफर कर देती है कंपनी डिस्क के साथ, जो काफ़ी सही फीचर है। टॉप एंड वेरिएंट है तो इसमें डबल चैनल ABS आता है, आप ABS डिस्क देख सकते हो, यहाँ पर ABS डिस्क की पोजीशन है। टायर की बात करें तो 100x80 सेक्शन का फ्रंट में टायर यूज़ किया गया, जो कि 70 inch के अलॉय के साथ आता है। फ्रंट में रॉयल एनफील्ड के साथ स्ट्रिपिंग करी गई है आपके अलॉय में, जो कि काफ़ी सही लगता है। साइड की हम बात करने वाले हैं टायर के सेक्शन की, तो टायर साइड में भी आपको यहाँ पर ट्यूबलेस टायर दिया गया है कंपनी के थ्रू। यहाँ पर आपको ट्यूबलेस टायर यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। टायर काफ़ी फ्रंट का भी काफ़ी वाइड टायर है, जो कि राइड करने में काफ़ी आपको अच्छा कंफर्ट देगी। साइड में आपको भी रिफ्लेक्टर इस साइड भी दिया गया है। इन साइड आपको यहाँ पर क्रैश गार्ड कंपनी ऑफर कर देती है, जो कि मैट ब्लैक कलर का आपका क्रैश गार्ड होने वाला है। नीचे इंजन प्रोटेक्टर मिल जाता है, जो कि काफ़ी सही पोजीशनिंग करी है। इंजन पूरा आपको यहाँ पर साइड में आप देख सकते हो मैट कलर का मिल जाता है। टैंक पर आपको रॉयल एनफील्ड की बैचिंग मिल जाती है। टैंक कैपेसिटी की हम बात करें तो 30 liter का टैंक कैपेसिटी मिल जाता है। यहाँ पर आपको OBD2 की बैचिंग मिल जाती है। ये रहा अपना टैंक ओपन है, जो कि पूरा क्रोम कलर का है। तो टैंक को काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया गया, काफ़ी अच्छा कलर थीम यूज़ किया गया। डुअल टोन में आपको कलर मिल जाता है यहाँ पर। एंड साइड में आपको बड़ी सी यहाँ पर रॉयल एनफील्ड की यहाँ पर ग्राफिक्स मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छा लुक देती है। एंड थोड़ा हम पीछे बात कर लें, सीट की बात कर लें तो यहाँ पर पूरी सिंगल सीट दी गई है, काफ़ी अच्छी सीट की कुशनिंग दी गई है। सीट हाइट की बात करें तो 800 mm की सीट हाइट यहाँ पर प्रोवाइड करी है। उसी के नीचे आपको रॉयल एनफील्ड हंटर के लोगो मिल जाता है बैचिंग है, जो कि ग्राफिक में है या 3D में नहीं है, पूरा ग्राफिक में यहाँ पर दिया गया है। एंड उसी के साइड आपको यहाँ पर स्प्रिंग टाइप सस्पेंशन मिल जाते हैं, जो कि हाइड्रोलिक में है। डुअल साइड आपको सस्पेंशन मिल जाते हैं, नॉन एडजस्टेबल सस्पेंशन यहाँ पर है। और उसी के साइड आपको यहाँ पर सीट रेयर का ग्रैपनल दिख जाता है, जिसकी पोजिशनिंग कुछ इस तरह का दी गई है। नीचे आपको रॉयल एनफील्ड की सीट पर आपको बैजिंग में मिलने वाली है। स्टिचिंग काफ़ी अच्छी करी गई है सीट की एंड यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी कुशनिंग है, पोजिशनिंग रखी गई है सीट की। एंड थोड़ा हम साइड सेक्शन की बात करें, इंजन की तरफ आ जाए तो इंजन पूरा मैट ब्लैक कलर का इंजन दिया गया है। इंजन की पावर की बात कर ले तो 350 cc का इंजन यहाँ पर प्रोवाइड किया है, जो कि मैक्स पावर प्रोड्यूस कर देता है 20.2 PHP एट 6000 RPM पे। एंड मैक्स टॉक की बात कर लो तो 27 NM का टॉक प्रोड्यूस करता है एट 4000 RPM पे। इंजन की अगर माइलेज की बात करें तो 36 Campbell का माइलेज मिल जाता है। इस बाइक में आपको 2 variant मिल जाते हैं, एक ऑयल कोड एंड दूसरा एयर कोड इंजन यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ये बाइक आती है। एंड यहाँ पर आपको इंजन काफ़ी चेंजेस मिल जा रहा है, काफ़ी इंजन की पोजीशन काफ़ी सही दी गई है। एंड यह आपका गियर लीवर हो गया, आप यही से गियर आप फर्स्ट डाउन है, बाकी के 4 gears आपके पीछे लगने वाले हैं। एंड ये रहा राइडर फुट रेस्ट, ये प्लेन फुट रेस्ट हुआ, जहाँ पर रॉयल एनफील्ड की यहाँ पर बैचिंग दी गई है। इंजन साइड स्टॉक स्टैंड कट ऑफ सेंसर भी इस बाइक में अवेलेबल है, जो काफ़ी सही चीज़ है। एंड आपको यहाँ पर मिड स्टैंड भी कंपनी में ऑफर करती है, तो काफ़ी अच्छी चीज़। ओपन जैन सिस्टम पूरा इस बाइक में मिलने वाला है, जो कि काफ़ी सही चीज़ है। यहाँ पर आपको पूरा स्विंग राम की यहाँ पर पोजिशनिंग आप देख सकते हो। रेयर में आपको यहाँ पर साड़ी गार्ड प्रोवाइड किया गया, लेडीज़ फुट रेस्ट मिसिंग है। क्रूजर बाइक है तो मुश्किल से यहाँ पर मिलने वाला है। रेयर का मड गार्ड कुछ इस तरह का आपको दिया गया है। एंड रेयर के टेल लाइट की हम बात कर ले तो ये रहे इसके इंडिकेटर्स, राउंड कलर के आपको टेल लाइट भी कंपनी ऑफर करने वाली है, जो काफ़ी सही यहाँ पर पोजिशनिंग लगती है। एंड यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है, ये नंबर प्लेट इंसर्टिंग का जगह मिल जाती है। यहाँ पर एक पर्टिकुलर लाइट दी गई है फॉर नंबर प्लेट। एंड उसी के नीचे आपको यहाँ पर टायर की बात कर ले तो यहाँ पर 100x20 section का टायर मिलता है, विद 100x20 section x80 section का टायर मिलता है विद 17 inch को अलॉय, जो कि वाइट टायर पीछे रेयर में दिया गया है। रेयर में भी आपको कंपनी ABS ऑफर कर देती है, जो काफ़ी अच्छी बात है। टॉप एंड वेरिएंट है तो यहाँ पर आपको डुअल जोनल ABS कंपनी यहाँ पर ऑफर करती है। स्प्रिंग टायर सस्पेंशन देख सकते हो, यहाँ पर आपको ऑयल फ्लूइड मिल जाता है फॉर रेयर ब्रेक। एंड यहाँ पर भी इस साइड भी आपको रॉयल एनफील्ड हंटर 350 की बैचिंग मिलने वाली है, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है। एंड यहाँ पर आपको रॉयल एनफील्ड हंटर की टैंक पर इस साइड भी पोजीशनिंग मिलने वाली है। ये रहा इंजन का पूरी पोजीशन, जो पूरा मैट ब्लैक कलर का है।
एंड ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर ले तो यहाँ पर 59 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दे दिया गया है, ये अपना एग्जॉस्ट नॉड हो गया। ओवर लेंथ की बात करें तो 20x50 mm का यहाँ पर आपका ओवरऑल यहाँ पर लेंथ दे दी है। कैपेसिटी की हम बात कर ले तो टैंक कैपेसिटी मैंने बता दी, 30 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। एंड बाइक की कव वेट की हम बात कर ले तो 177 kg के यहाँ पर कर वेट यहाँ पर इस बाइक में आपको दे दिया गया है। एग्जॉस्ट की वजह से ये रही इसकी। एंड फ्रंट में आपको इंजन प्रोटेक्टर मिल जाता है जहाँ पर रॉयल एनफील्ड की बैचिंग दी गई है। हॉर्न यहाँ पर देख सकते हो सिंगल हॉर्न यूज़ किया गया है। एंड हम थोड़ा आप इस साइड अगर हम आ जाएँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी अच्छा ओवरऑल लुक यहाँ पर कंपनी ने प्रोवाइड किया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, कंपनी बाइक अच्छा करते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ आप देख सकते हो कुछ इस तरह के यहाँ पर स्विचेस दिए गए हैं। टॉप एंड वेरिएंट है तो स्विच की सारी चेंजेस हैं, बस की नहीं है, वरना मैं आपको यहाँ पर इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको दिखाता। एंड स्विच यहाँ पर चेंज कर दिए गए, आपको यहाँ पर क्लासिक 350 जैसे आपको स्विच यहाँ पर यूज़ करे गए हैं। ये टॉप एंड वेरिएंट है तो इसमें स्विच इस तरह के मिलने वाले हैं। एंड बेस मॉडल में आपको यहाँ पर स्विच डिफरेंट कलर के मिलने वाले हैं। बेस मॉडल का वीडियो आप पढ़ा है, वहाँ आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके इसका चेकआउट जरूर करना। एंड स्विच ये रहा, इसी के अंदर आपको किल स्विच एंड इग्निशन स्विच मिल जाता है। यहाँ पर हजार्ड लाइट का भी ऑप्शन दे दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड मीटर की बात करें तो यहाँ पर एनालॉग के साथ डिजिटल दिया गया है, जिसमें आपको फ्यूल गेज तो मिल जाएगा। तो अगर आप इसका ये रहा पूरा वॉक अराउंड, आई होप का आपको ये वीडियो अच्छी लगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो जरूर लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऐसे अपडेट मिलते रहेंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।